इधर बीकानेर के रेतीले धारों के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास का शुभारंभ हुआ। 21 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका की सबसे पुरानी इन्फेंट्री बटालियन भारत आई है। ये दल स्ट्राइकर टैंक भी साथ में लाया है, जो पहली बार किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 2 इन्फेंट्री बटालियन और 3 इन्फेंट्री रेजिमेंट और 1.2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के सैनिक कर रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सत्य शक्ति कमान की 11वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर राइफल्स कर रही है। सेना के पीआरओ अमिताभ शर्मा के अनुसार दोनों देश हथियारों और उपकरणों का उपयोग भी करेंगे। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुए इस संयुक्त युद्धाभ्यास में ओपनिंग सेरेमनी में दोनों देशों के सैनिकों ने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया। और बीकानेर से हमारे संवाददाता केके सिंह, केके आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है। संयुक्त तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच शुरू हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के बाद में पहली बार ऐसा मौका है जब ये एक तरह से संयुक्त तो युद्धाभ्यास हो रहा है। बीकानेर का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो की रेतीले बीच में व्यवस्थित है, जहां पर हमेशा एक ये फील्ड फायरिंग रेंज है, जहां पर कभी रूस के साथ, कभी चीन के, कभी दूसरी अलग अलग देशों के साथ यहाँ पर युद्धाभ्यास हुआ करता है। और इस बार ये संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है, ओपनिंग सेरेमनी कल हुई है और अलग अलग एक तरह से कही जा सकती है कि युद्धाभ्यास के दौरान कई एरियल प्लेटफॉर्म जिसमें भारतीय सेना ने हाल ही में शामिल हुए स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WASI रुद्र और MI-17 चिनूक और अमेरिका के जो सेना के स्ट्राइकर और भारतीय सेना के BMP-2 मैकेनाइज्ड इंफेंट्री व्हीकल का भी उपयोग हो रहा है। एक बड़ा सैन्य अभ्यास है और इसमें इंट्रैक्शन भी होना निश्चित है कि बीकानेर जो बीकानेर के जो महाजन फील्ड फायरिंग, जहां पर देश के हमारे भारत की सेना और जो अमेरिका की जो सेना है उसके बीच में इंट्रैक्शन भी होगा। और चूंकि 20 तारीख तक ये अभ्यास चलेगा, बड़ा अभ्यास, महाअभ्यास माना जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे क्या आम लोगों को भी ये देखने की अनुमति है या फिर सिर्फ जो दोनों देशों के सैनिक और उच्च अधिकारी ही मौजूद होंगे? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, इससे कहा जा सकता है कि जो आम पब्लिक और एक तरह से उनसे काफी दूरी पर है ये, और काफी इंटीरियर में जाने पर ये फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर आम लोगों का पहुंचना पूरी तरह से निषेध है और आम लोग इसमें नहीं जा सकते। और पब्लिकली अगर हम माने तो बिल्कुल मीडिया का भी मुश्किल से 1 या 2 बार जो इनके जो संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान ले जाया जाएगा, और एक बार ले जा भी जा चुका है, लेकिन कुल मिला के पब्लिक से पूरी तरह से दूरी बना के रखी गई है। जी बिल्कुल, के तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।